मोहतरम नाजरीन, नदाब न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सभी का खैर मकदम है। निर्मल ज़िले के भैंसा शहर में आज ज़िला एसपी जानकी शर्मिला की हिदायत पर भैंसा एएसपी अविनाश कुमार की निगरानी में सर्कल इंस्पेक्टर डी राजा रेड्डी ने भैंसा शहर के मुख्तलिफ ढाबों में गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त होने की इतला पर दुर्गा ढाबा, श्री ढाबा, भवानी ढाबा, श्री हंसी का ढाबा पर धावा करते हुए 80 लीटर शराब जिसकी मालियत 40,000 रुपये बताई गई, जिसको जब्त करते हुए ढाबा मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। टाउन सीआई डी राजा रेड्डी ने बताया कि ढाबों व दीगर मुकामात पर कहीं भी शराब फरोख्त होने पर व दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की फौरी पुलिस को उसकी इत्तला दे। महकमा पुलिस कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा और जो भी इसकी इत्तला देगा उसकी तफसीलात को राज में रखा जाएगा। इस कार्रवाई में राजा रेड्डी के अलावा भैंसा एएसआई मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद गौस और एएसआई सुदर्शन के अलावा पुलिस जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी।